हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सागर गुलाम। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले एड्स इन गूगल एडवर्ट। बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं कि कैसे हम डिस्प्ले नेटवर्क का कैंपेन बनाएं, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता या फिर कैसे कैसे स्टेप है जो उनको करने हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही कम समय में आपको एक डिस्प्ले नेटवर्क ओनली वाला कैंपेन बना के दिखाऊँगा और सिखाऊँगा भी। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम स्टार्ट करते हैं। जब भी आप अपने गूगल एडवर्ड के डैशबोर्ड पे आएंगे और कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आता है आपका डिस्प्ले नेटवर्क। तो डिस्प्ले नेटवर्क पे आप क्लिक करिएगा। डिस्प्ले एड्स के अंदर सबसे पहले आपका है कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आप दे दीजिए, जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है या जो भी आप जिसे समझते हैं। जैसे मैं अपनी कैंपेन का नाम देता हूँ। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक होता है आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, एक होता है आपका नो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस यही है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आपको तीन ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिससे कि आप अपने माइंड को पढ़ सके कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए क्या करना है। इन तीनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है, मतलब थोड़े बहुत ऑप्शंस का फ़र्क है, जैसे कि बिल्ड अवेयरनेस, आपको अपनी ऐड हर जगह दिखानी है। बट एट द लास्ट तीनों में आपके पास आपकी वेबसाइट पे ही यूज़र आएगा। तो आपका जो माइंड सेटअप करके इस पर लगता है कि आपको बिल्ड अवेयरनेस करना है, इन्फ्लुएंस कंसंट्रेशन करना है, ड्राइव एक्शन करना है, तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। नो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीज़ हट जाएगी। तो हम जैसे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, जिसमें से एक ले लेते हैं विजिट योर वेबसाइट। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ सबसे पहले पूछ रहा है आपकी लोकेशन, कि लोकेशन आपको कहाँ दिखानी है। अब आपको देखना है कि जो आपकी डिस्प्ले एड्स है वो आपको किस किस स्टेट या किस किस कंट्री में आपको दिखानी है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर रखा है इंडिया, अगर आपको और भी कंट्री या सिटी सेलेक्ट करनी हो तो आप दिल्ली ऐसे करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी ऐड कर लेना आप, अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो आप एक्सक्लूड कर लेना, मतलब आपको दिल्ली में अपनी ऐड नहीं दिखानी है तो आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। फिर लैंग्वेज आपकी इंग्लिश सेलेक्ट पहले से ही है, अगर आपके लिए किसी और कंट्री के लिए करना है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। अब बेसिकली इसके अंदर दो बिड स्ट्रेटजी, एक CPM CPC जो सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं। CPM के अंदर होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, मतलब गूगल आपकी 1000 बार आपकी ऐड दिखाएगा तो आप उसको कितने पैसे देना चाहते हो। और CPC में होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप एक क्लिक के कितने पैसे देना चाहते हो। अब ये दोनों चीज़ें आपको एनालाइज करनी पड़ेगी कि आपके अपने बिजनेस के हिसाब से कि कौन सी सुटेबल रहेगी आपको बिजनेस को लेकर। मतलब अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा है तो आप CPM में भी चला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे या फिर बहुत कम लोग आते हैं, तो आप उस केस में CPC में चला सकते हो, जैसे कि हम सर्च में भी चलाते हैं CPC में। बट आज मैं आपको इसमें CPM का करके दिखाऊंगा, क्योंकि CPC मैंने पहले भी बता रखा है, CPM मैंने अब तक एक बार भी नहीं बताया। तो मैं इसके अंदर ले लेता हूँ व्यूएबल CPM एंड द बजट इज, मान लीजिए मैंने 100 डाल लिया। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर एड ग्रुप मांग रहा है, एड ग्रुप आप दे दीजिए। जैसे कि मैं TV के ऊपर एड बनाऊंगा। अब ये पूछ रहा है मैक्सिमम CPM बिड, मतलब आप 1000 बार अपनी ऐड दिखाने के कितने रुपए देना चाहते हो। तो जैसे कि मैं रख लूँगा 40 रुपीज़। ये आपको जब आपका कैंपेन चलेगा तो और अच्छे से एनालाइज होगा कि किस किस वेबसाइट पे कितना CPM लग रहा है या किस किस वेबसाइट पे कितना CPM हमें बढ़ाना है या घटाना है, वो आपको रन करने के बाद ही समझ में आएगा अच्छे से। यहाँ पर मैं अपना लैंडिंग पेज डाल देता हूँ, जैसे कि मैं एक allinonecoupon.com के कैंपेन चला रहा हूँ TVs का। अभी एनालाइज कर रहा है गूगल। अब गूगल को एनालाइज करने के बाद
आपके पास तीन टारगेटिंग मेथड है जिससे कि आप अपनी ऐड को चला सकते हो पूरे गूगल के अंदर। जैसे कि सबसे पहला है आपका कीवर्ड, डिस्प्ले कीवर्ड। डिस्प्ले कीवर्ड में क्या होता है कि कौन सा कीवर्ड यूज़र गूगल पर सर्च कर रहा है और उसके बिहाफ पे आपकी ऐड दूसरी वेबसाइट पे दिखाई देगी। तो ये सारे जैसे आपने डाला, यहाँ पर बहुत सारे उसने कीवर्ड दिखा दिए जो कि यूज़र देखते हैं या ढूंढते हैं, और इसमें इम्प्रेशन पर वीक, मतलब कितने इम्प्रेशन आपको मिलेंगे पर वीक इस ऐड के लिए, पर्टिकुलर ऐड के लिए या पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। जैसे कि आपको लगता है कि कोई लिखे बाय एलईडी टीवी, तो इसके अंदर 1 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन तक आपको इम्प्रेशन मिल सकते हैं वीकली में। तो ये इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इन कीवर्ड को ले सकते हैं जिससे कि आपको बहुत अच्छे क्लिक और कन्वर्जन मिले। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग। इंटरेस्ट एंड रीमार्केटिंग के अंदर मैं अभी आपको खाली रीमार्केटिंग के बारे में नहीं बताऊंगा, रीमार्केटिंग के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ रीमार्केटिंग कैंपेन कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी हम नॉर्मली एक डिस्प्ले कैंपेन की बात कर रहे हैं। तो इन मार्केटिंग ऑडियंस के अंदर या आपकी टेलीविज़न, मतलब जितने भी वेबसाइट टेलीविज़न को लेके, ब्लॉगिंग या कोई भी वेबसाइट है, वहाँ पर आपकी ऐड चलेगी। तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि किस किस इन मार्केटिंग ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। सिंपल, अगर आपको टारगेट करना है तो मैं यहाँ पर यूँ सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद से एफिनिटी ऑडियंस, ये सारी आपकी ऑडियंस है। अगर आपको लगता है इन कैटेगरी में से भी आपको कोई कैटेगरी लेनी है अपनी वेबसाइट के लिए, तो आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है यूज अ डिफरेंट टारगेटिंग मेथड। इसमें तीन ऑप्शन और हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका टॉपिक का। इस टॉपिक में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जिसमें कि आप अपना फिल्टर करके दे सकते हो कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर अपनी ऐड चलानी है। तो आप यहाँ पर जाके इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि हाँ इनमें से टॉपिक कोई ऐसा है जिससे कि आपको अपनी ऐड दिखानी है, तो आप ये टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्लेसमेंट। प्लेसमेंट है सबसे बेस्ट मेथड है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जो अपनी ऐड है वो कौन कौन सी वेबसाइट पे दिखानी है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ओलेक्स का, कि आपने कहा मुझे ओलेक्स पे अपनी ऐड दिखानी है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ओलेक्स डॉट इन सर्च करते हैं, इसे देखिए ओलेक्स डॉट इन आ गई। नहीं, ये दूसरी वेबसाइट है कोई, ओलेक्स अभी नहीं आ रही है। यहाँ क्विकर आ रही है, दिल्ली क्विकर आ रही है। जैसे चलिए मान लीजिए हमने दिल्ली क्विकर में ले लेते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वही वेबसाइट जाएंगी जिन वेबसाइट्स पे गूगल एडसेंस चल रहा होगा। आप सोचोगे कि मैं अपनी वेबसाइट की एड फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे दिखा दूँ, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पर गूगल एडसेंस नहीं रन करता क्योंकि वो वेबसाइट गूगल एडसेंस नहीं लगाती है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पर गूगल एडसेंस लगा होगा वहीं पर ही आपकी डिस्प्ले ऐड चलेगी। तो आप यहाँ से फिल्टर करके भी देख सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐड चलती है नहीं चलती है। जैसे कि मैंने दिल्ली क्विकर ले लिया, तो यहाँ दिखा देगा 250K से लेकर 300K के अंदर आपको इंप्रेशन मिलेंगे इस वेबसाइट के अंदर। तो आप इसके अंदर मल्टीपल वेबसाइट भी ले सकते हैं, चंडीगढ़ हो गया, बेंगलोर क्विकर हो गया। तो यहाँ पर क्विकर में क्या है, आपकी ऐड दिखाई देगी। एंड द लास्ट इज डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप अपने एज वाइज पर टारगेट कर सकते हैं कि मुझे इसी एज को अपने टारगेट करना है अपनी डिस्प्ले ऐड के लिए। तो आप ये भी टारगेट कर सकते हैं कि फीमेल, मेल और एज को भी लेके आप फिल्टर कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो ऐड है वो प्रॉपर आपकी टारगेटिंग ऑडियंस को जाए। ये तीन मेथड है आपके पास प्रॉपर तरीके से जिससे कि आप अपनी डिस्प्ले ऐड को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैं प्लेसमेंट अभी हटा देता हूँ इसमें से, क्योंकि हमने टारगेट कर रखा था इन मार्केटिंग ऑडियंस के ऊपर।
और इसके अंदर जो बाकी के ऑप्शन है 4-5 वो आपको मैं रीमार्केटिंग वाली वीडियो में दिखाऊंगा। यहां से मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। एंड द टाइम इज मेकिंग अ एड कि अब आपको जो अपनी एड हो कैसे बनानी है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इमेज सेलेक्ट करोगे, जब भी आप इमेज पे क्लिक करोगे सबसे पहले वो आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा जो कि आपने लैंडिंग पेज डाला है, उसके बिहार पे वो कुछ आपको फ़ोटो दिखाएगा। तो अगर आपको वो फ़ोटो अच्छी लगती है तो वहीं से आप पिकअप कर सकते हो, अदरवाइज वो फ़ोटो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ आ गई हैं, मान लीजिए मैं एक फ़ोटो पिक कर लेता हूँ एज अ इमेज, ये मैंने फ़ोटो इमेज के लिए सिलेक्ट कर लिया है और ये मैं एज अ लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो फोटो हमें सेलेक्ट करनी होती है एज अ इमेज एक एज अ लोगो, और यहाँ से अगर आप अपलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक शॉर्ट हेडलाइन प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट, यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग हेडलाइन लिख लूँ जो कि 90 कैरेक्टर की है, और आप यहाँ पर दो हेडलाइन लिख सकते हैं लॉन्ग और डिस्क्रिप्शन। और ये पर मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी, यहाँ अपने बिजनेस का नाम जो कि आपकी वेबसाइट का नाम है। और यहाँ पर हमारा फाइनल URL, बस अभी आपको इतनी ही चीज़ें डालनी है। इतनी जब आप फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा कि कैसे आपकी ऐड की प्रीव्यू आ रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर रनअप कर रहा है ये, चलिए यहाँ पर प्रीव्यू देख लेंगे और हम आगे भी दिखा दूँगा मैं आपको। जैसे देखिए अभी आगे प्रीव्यू, नेक्स्ट प्रीव्यू, ये आपको अलग अलग फॉर्मेट पे दिखा रहा है। और ये रिस्पॉन्सिव ऐड बनी है, मतलब जिस जगह वो जाएगी जो सी डायमेंशन उसको चाहिए वो डायमेंशन में वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, तो आपको अलग अलग डायमेंशन की पिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद आपका जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड कितना आसान था एक डिस्प्ले ऐड बनाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप बहुत अच्छे से चीज़ सीख गए होंगे कि कैसे हमें अपना कैंपेन बनाना है और उसको कैसे अपनी एड्स के लिए प्रमोशन के लिए आपको तैयार करना है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के और आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को और हमारे चैनल को अपडेट में रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।